What is up guys, welcome back to my channel. Everyone, I hope guys doing absolutely fine. तो भाई लोग कैसे हो? So भाई लोग यार, आज गाइस फिर से एक और न्यू gameplay video के साथ मैं वापस ना. आज का gameplay बहुत ही ज़्यादा amazing होने वाला है, क्योंकि आज किस वाले gameplay पे मैं जो challenge करने वाला हूँ वो challenge बहुत ही ज़्यादा amazing होने वाला है, क्योंकि आज किस वाले gameplay पे मैं full raw gameplay video बनाने वाला हूँ. और basically जो challenge होने वाला है वो होने वाला है vehicle only challenge. मतलब पूरा गेम प्ले में मैं सिर्फ और सिर्फ व्हीकल ही चलाऊंगा, और अगर किसी एनिमी को मुझे मारना होगा तो मेरे को व्हीकल से ही मारना पड़ेगा. ऑलराइट, है ना? तो गेम प्ले को पूरा एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि गेम प्ले बहुत अमेजिंग होने वाला है. क्योंकि ऐसे ऐसे मोमेंट में मैंने ऐसे ऐसे बंदों को किल किया ना भाई साहब, व्हीकल से मैंने इतना मस्त मस्त किल कर दिया ना कि तुम लोग भी बोलोगे कि भाई तू तो कभी धूम तेरे का रेसर निकला यार, है ना. मतलब तुम लोग बस देखते रहना यार, इतना बढ़िया मैं गाड़ी चलाने वाला हूँ. मतलब तुम लोग भी बोलोगे कि भाई तू मेरा मतलब इतना बढ़िया ड्राइवर कैसे बन गया तू, है ना. मतलब इतना बढ़िया ड्राइविंग कैसे कर लेता है तू, तो आप लोग भी बोलोगे. और बेसिकली आप लोगों को रॉ गेम प्ले देखना बहुत ज़्यादा पसंद है. रॉ गेम प्ले मीन्स पूरा गेम प्ले जिसमें कोई भी कट वगैरह नहीं होता है, उसको रॉ गेम प्ले बोलते हैं ना. तो आप लोगों को रॉ गेम प्ले देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने कॉमेंट्स वगैरह पढ़ा है ना. तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये वाला गेम प्ले रॉ गेम प्ले ही बनाते हैं और देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा आता है. अगर आप लोग अच्छा खासा रिस्पॉन्स देते हो तो और भी गेम प्लेज में मैं सिर्फ सिंपली रॉ गेम प्ले दिखाऊंगा. ओके, मतलब कहीं पर भी कट वगैरह नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग बोलते हैं भाई कट वगैरह मत किया कर, है ना. तो कट वगैरह नहीं करूंगा. बाकी एक भाई साहब को तो मैंने निपटा दिया, वो तो फिलहाल बहुत रह जाता. तो देखते रहना, मैं पूरा गेम प्ले में सिर्फ गाड़ी ही चलाने वाला हूँ. ओके, और आप लोगों को पता, अगर आप लोगों को गाड़ी से मोहब्बत है, अगर आप लोगों को व्हीकल से मोहब्बत है ना, तो भाई देखते रहो गेम प्ले को पूरा एंड तक, क्योंकि इस वाले गेम प्ले पर आप लोगों को व्हीकल से भरा पड़ा बहुत कुछ नॉलेज आप लोगों को मतलब सीखने को मिलेगा, और मेरा मस्ती भी आप लोगों को देखने को मिलेगा कि कितना बढ़िया बढ़िया मैं रेसिंग करता हूँ. और एक सिचुएशन पे मैं यहाँ पर जो हमारा मिराडो है ना, इसका हाई एंड स्पीड भी चेकआउट करने वाला हूँ कि पबजी मोबाइल लाइट में मिराडो कितना ज़्यादा हाई स्पीड पकड़ता है लास्ट. ओके, सो ये भी हम लोग देखने वाले हैं आज किस वाली वीडियो पे. तो देखते रहना बस गेम प्ले को पूरा एंड तक. ओके, ये एक्सपेरिमेंट भी मैं करने वाला हूँ कि जो मिराडो है ना, ये पबजी मोबाइल लाइट वालों बोलते हैं कि भाई मिराडो जो है ये सबसे ज़्यादा फास्ट गाड़ी है पबजी मोबाइल लाइट में, मतलब सबसे ज़्यादा स्पीड से भागता ये वाला मिराडो है ना. तो आज हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये मिराडो लास्ट कितना ज़्यादा स्पीड पकड़ता है, मतलब इसका हाई एंड स्पीड कितना ज़्यादा है. ओके, सो ये आज अपन लोग चेक करने वाले हैं. तो यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैं मिराडो पकड़ चुका हूँ, और मिराडो पकड़ने के बाद मैं चाह रहा हूँ सीधा यहाँ पर, ये देखो एक ड्रॉप भी गिरा है यहाँ पर. तो मेरे को तो ड्रॉप से कुछ लेना वेना तो है नहीं है ना, तो यहाँ से मैं निकल जाने वाला था, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में आया कि चलो एक बार ड्रॉप लूट लेते हैं, क्योंकि उसका वेस्ट वगैरह मेरा काम आ जाएगा. अगर कोई एनिमी मेरे को दूर से फायर करेगा तो थोड़ा सा डैमेज कम होगा, है ना. वेस्ट वगैरह हेलमेट वगैरह मिल जाएगा मेरे को. और यहाँ पर देखो, मेरे को हेलमेट वगैरह मिल जाता है, यहाँ पर RPG-7 भी है. ओके, तो अब मैंने सोचा कि चलो यार RPG-7 को ना कहीं पर जाके छुपा देते हैं, क्योंकि RPG-7 अगर किसी के हाथ में आ गया तो भाई वो बूम बम कर देगा. तो इसीलिए गाइस मैंने सोचा कि चलो इसको कहीं पर जाके छुपा देते हैं, बहुत ज़्यादा दूर पे जाकर छुपा देते हैं, क्योंकि भैया जी करने को मेरे पास कुछ भी है नहीं, मेरे को सिर्फ गाड़ी ही चलाना है. तो ऐसे मतलब हरामी पंता करना पड़ता है ना डूड. तो चलो यहाँ पर, चलो हमारा जो RPG-7 है उसको यहाँ पर छुपा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी बंदा नहीं आएगा. तो चलो यहाँ पर छुपा देते हैं. अब RPG-7 को मैं वहाँ पर छुपा दिया, छुपाने के बाद मैं सीधा मिराडो पकड़ता हूँ और यहाँ से निकल जाता हूँ. निकलते मैं सीधा यहाँ पर पहुँचता हूँ, और यहाँ पर आप लोगों को अब रेसिंग देखने को मिलेगा. जी हाँ दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका हाई एंड स्पीड. बिना देखो इसका हाई एंड स्पीड देखना, ठीक है. किलोमीटर पर आवर गाइस. जी हाँ दोस्तों, इतना इसका हाई एंड स्पीड है गाइस, मतलब ठीक ठाक है यार. मतलब 162 गाइस कम नहीं होता यार, मतलब 162 ठीक ही है, लेकिन मैं चलो कोई बात नहीं, ये अच्छा ही है यार, इतना स्पीड भी कम नहीं होता. अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा ऊंचाई था तो यहाँ पर ज़्यादा स्पीड नहीं पकड़ा,
यहाँ पर लास्ट 154 किलोमीटर पर आवर पकड़ा है ना, लेकिन फिर से मैं ट्राई करने वाला हूँ और देखने वाला हूँ हैंड स्पीड कितना पकड़ता है। तो चलो लेट्स गो। गाइस यहाँ पर एक परसेंटेज थोड़ा सा बड़ा 163 किलोमीटर पर आवर हुआ था। ओके सो इतना ही इसका लास्ट स्पीड होगा गाइस नॉर्मल रोड पे है ना। अगर कहीं से अगर तुम लोग ऊंचाई से अगर इसको नीचे उतारते हो तो शायद इसका स्पीड थोड़ा सा बढ़ सकता है ना, लेकिन गाइस ऐसे नॉर्मल रोड में तो ये इतना ही स्पीड पकड़ रहा है ना, क्योंकि जीप वगैरह इतना स्पीड नहीं पकड़ता यार। 160 तो नहीं पहुंच पाता है जीप वगैरह, लास्ट 140 पे ही रुक जाता है जीप वगैरह, डैरसे वगैरह है ना, बगी वगैरह। लेकिन ये भाई साहब मिराडो बहुत फास्ट है गाइस, बहुत फास्ट। तो कभी पबजी मोबाइल लाइट में अगर रेसिंग वगैरह करोगे ना तो भाई मिराडो ही पकड़ना, तभी जीतोगे तुम लोग है ना। अब लिटरली में गाइस पबजी मोबाइल लाइट में एक रेसिंग कार तो ज़रूरत है, और मिराडो एक रेसिंग कार ही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करता ना, अगर थोड़े से स्किन्स वगैरह दे देता ना मिराडो का, तो भैया जी मज़ा ही आ जाता। अब पता नहीं मिराडो पे स्किन वगैरह क्यों नहीं देते यार ये लोग। बाकी देखो यहाँ पर मैं गाड़ी जीप घुमा रहा था और वहाँ पर मेरे को एक बंदा भी दिखा, लेकिन जिससे देखा ड्रॉप के सामने से, तो मेरे को यहाँ पर जोन पे भी जाना था और ऑब्वियस सी बात है मैं जोन पे पहुँच भी चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं जा रहा था। ये देखो उधर की तरफ ड्रॉप का आइकन मेरे को दिख रहा था, तो मैं सोच रहा था चलो ड्रॉप भी लूट के आते हैं, लेकिन ड्रॉप तो मेरे को लूटना ही नहीं था। तो मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ पर क्या कर क्या रहा हूँ, घुमा क्यों रहा हूँ गाड़ी को इतना। अब देखो मैं इधर से इजीली जोन पे घुस सकता था, लेकिन मेरा चुल मचा है ना भैया जी, मैं मेरे को घूम के जाना है, तो चलो घूम के ही जाता है, क्योंकि वैसे भी मेरे को गाड़ी चलाना है और क्या करना है इस वाले गेम प्ले पे। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा घूम के ही जाते उधर से है ना, इधर से जाऊँगा तो शायद कोई बंदा बंदा देख लेगा तो मेरे को मार देगा, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो उधर से घूम के जाते हैं। अब उधर की तरफ एक बंदा भी था जो कि मेरे पे फायर वगैरह भी कर रहा था, और मेरा देखो मतलब जीप भी थोड़ा सा डैमेज कर दिया, तो अब मेरे को दूसरा वाला गाड़ी पकड़ना होगा। और उधर की तरफ मैंने एक बगी देखा था, तो चलो उस वाले बगी को ही लेते हैं जाकर। यहाँ पर गाइस बगी है, तो चलो इस वाले बगी को लेते हैं एंड यहाँ से निकलते हैं, जोन के एकदम कोने पे जाते हैं, क्योंकि अब जोन छोटा हो चुका है और बंदों का नज़र मेरे ऊपर ही पड़ जाएगा, क्योंकि गाड़ी का आवाज़ आप लोगों को पता है बहुत दूर तक जाता है। तो इसीलिए गाइस मैंने सोचा कि चलो यहाँ पर जाकर यहाँ पर कोने पर छुप जाते हैं यार है ना, ताकि लास्ट तक एटलीस्ट टॉप 5 तक तो पहुँच ही जाऊँगा है ना, ट्राई करते। तो यहाँ पर मैं जोन के अंदर आ चुका हूँ एंड यहाँ पर अब वेट करूँगा कि जोन कब तक स्टार्ट हो, एंड धीरे धीरे जब तक जोन छोटा होता जाएगा तब मैं एकदम कोने पे जाके छुप जाऊँगा, मतलब जैसे जैसे जोन छोटा होगा तो जोन के एकदम कोने के एंड पे जाकर मैं छुप जाऊँगा। तो अब यहाँ पर वेट करते हैं कि कब तक जोन छोटा होता है। एक बगी भाई साहब में मतलब एक बॉट भाई साहब मेरे को दिखा था, उसको निपटाया, लेकिन तभी पीछे से भी एक बंदा मेरे पे फायर किया, तो यहाँ पर तो गलत सीन हो जाएगा अगर वो मेरे पे रस बोल देगा, लेकिन उसने रस नहीं बोला मेरे पे की बात है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूटा लाड़ी कर लेता हूँ, हीलिंग वगैरह ले लेता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास पेन किलर है दो एंड बैंडेजेस वगैरह हैं जो कि काम आ जाएगा आगे चल के।
लोगों का जोन तो स्टार्ट हो चुका है एंड मैं जोन के अंदर भी हूँ, तो देखते हैं यार ये वाला जोन ख़त्म होने के बाद कैसा जोन बनता है। उसके बाद मेरे को फिर से जोन के अंदर जाना पड़ेगा। चलो गाइस, जोन तो अच्छा बना है, मेरे को ज़्यादा दूर तक नहीं जाना पड़ेगा और मैं छुप भी सकता हूँ फिर से सेकंड जोन पे, क्योंकि ये जोन भी इधर ही पहाड़ी के ऊपर ही बना हुआ है, तो यहाँ पर मैं इजीली छुप जाऊँगा। ये देखो घुस चुका हूँ। गाइस यहाँ पर एक ध्यान से सीन देखना, ठीक है। मैं जोन के अंदर ही हूँ, आप लोग जैसे मिनी मैप में देख सकते हो, मैं जोन के अंदर ही हूँ, लेकिन फिर भी जोन देखना मेरे को, मतलब मेरे से घुस जाएगा यार, और मेरे को मतलब हीलिंग खाएगा मेरा हील, मतलब मेरा जो ब्लड है, मतलब ब्लड क्या हो रहा है, हीलिंग है ना, तो जो भी है वो देखना चूसेगा। मतलब क्या ही बोलो यार, मतलब गलत सीन यार पबजी मोबाइल लाइट का। अब तुम लोग देखो यार, मैं जोन के अंदर ही हूँ, लेकिन जैसे जैसे जोन छोटा होगा ना, देखना ऑटोमेटिकली मैं जोन के बाहर हो जाऊँगा। यह कैसा सीन है यार। देखो जोन आ रहा है और ध्यान से देखो, तो अभी भी मैं जोन के अंदर ही हूँ, लेकिन लेकिन ये देखो देखो गया, मैं जोन के बाहर आ गया। एक कैसे हो सकता है डूड, मैं तो जोन के अंदर था ना। मतलब अजब गजब सीन यार, मतलब पबजी मोबाइल लाइट वालों क्या ही बोलूँ तुम लोगों को। बाकी चलो, अब सिर्फ सिर्फ टॉप 5 तक तो पहुँच चुका हूँ, अब सिर्फ सिर्फ 3 बंदे बचे हैं, ठीक है, और मेरे को जोन के अंदर जाना ही पड़ेगा डूड, और बंदों के सामने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अब कोई भी उपाय नहीं है मेरे पास, और ना ही मेरे पास बहुत सारे हीलिंग्स वगैरह है, तो मेरे को जोन के अंदर ही जाना पड़ेगा, और उसके बाद मतलब कुछ करना पड़ेगा ना बू, मतलब बूम बाम डूड कुछ तो करना पड़ेगा, बूम बाम कुछ भी करना पड़ेगा यार, खुम खाम फुम फाम छींग छांग फूंग इंग थाम फूंग कुछ तो करना पड़ेगा यार। तो चलो जाते हैं जोन के अंदर, और जोन स्टार्ट भी हो जाएगा, तब तक वेट करते हैं जब तक जोन नहीं स्टार्ट होता। चलो गाइस, जोन स्टार्ट हो चुका है, लेट्स गो। अब मैं सीधा जाऊंगा सामने की तरफ, एंड यहाँ पर देखो भाई सब इतने सारे गाड़ियाँ खड़ा हुआ है यार डोड, क्या ही बोलूँ। और यहाँ पर मैं जैसे पहुँचता हूँ ना, तो मेरे को लगता है एक गाड़ी ले पकड़ते हैं निकलते, इसमें तो फ्यूल ही नहीं है भाई, इसको पकड़ते हैं निकलते, तब ये हाजिर आ गया स्टॉप। चिंग चंग फूंग मिंग मांग फूंग माफ कर दिया यार मेरे को भाई, बचा ले यार, फोड़ दूंगा सभी।